राजेश कुमार। आज बिहार में सियासत का सुपर सैटरडे रहा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम चंपारण जिले के लौरिया में रैली की। उन्होंने नीतीश सरकार पर हल्ला बोला। वो राजधानी पटना में स्वामी सहजानंद की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। दूसरी तरफ महागठबंधन के घटक दलों की पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में महारैली हुई, जिसमें सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव समेत तमाम नेताओं ने बीजेपी पर पलटवार किया। तो गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम चंपारण के लौरिया में सभा को संबोधित करते हुए नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पीएम बनने के लिए नीतीश कुमार विकासवादी से अवसरवादी बन गए। जेडीयू आरजेडी की सरकार ने फिर से एक बार बिहार को जंगल राज की तरफ धकेल दिया। पीएफआई बिहार में पैर पसार रहा था, नीतीश कुमार चुप थे, लेकिन पीएम मोदी ने पीएफआई का सफाया कर दिया। बिहार में शराबबंदी ढोंग है, यहां नकली शराब मिल रही है और लोग मर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी को अधिक सीटें मिली थी, इसके बावजूद नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन हर 3 साल में नीतीश कुमार को पीएम बनने का सपना आता है। अमित शाह ने कहा कि बीजेपी ने नीतीश कुमार के लिए अब हमेशा के लिए दरवाजा बंद कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि 15,000 करोड़ के नेशनल हाईवे के 3 प्रोजेक्ट मिले हैं, लेकिन नीतीश सरकार ने जमीन नहीं दी। मेगा टेक्सटाइल के लिए भी नीतीश कुमार जमीन नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का वादा किया है, लेकिन तारीख नहीं बताई है। नीतीश बाबू, आप प्रधानमंत्री बनने के लिए विकासवादी से अवसरवादी बने, कांग्रेस और आरजेडी के शरण में गए और नीतीश बाबू की प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा ने बिहार का बंटा धार कर दिया है। मैं आज एक गुप्त समझौते की बात करने आया हूं और नीतीश कुमार जी को चैलेंज भी करना चाहता हूं। नीतीश कुमार जी ने लालू जी के बेटे को मुख्यमंत्री बनाने का वादा किया है, आपको मालूम है क्या? मालूम है ना, मगर नीतीश जी तिथि नहीं बताते, आरजेडी वाले अस्वस्थ हैं। मैं नीतीश जी को कहता हूं, लोकतंत्र में पारदर्शिता होनी चाहिए। आपने लालू जी के बेटे को अगर मुख्यमंत्री बनाने का वादा किया है तो आरजेडी वाले विधायक रोज एक दो कर मांग कर रहे हैं। आपने बता देना चाहिए कि भाई हम इस तिथि को उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे और फिर से जंगल राज, पूरा जंगल राज आधा तो आ ही गया है, पूरा जंगल राज प्रस्तापित करेंगे। इधर पूर्णिया में महागठबंधन की महारैली हुई। इस मौके पर सीएम नीतीश कुमार बीजेपी पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि इस बार बीजेपी को 100 सीट भी नहीं मिलेगी। सीएम ने कहा कि मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है, जीवन भर आपके लिए काम करेंगे। उन्होंने कहा कि हम बीजेपी के साथ गए तो बीजेपी हमें ही हराने में लग गई। रैली को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि देश आज टुकड़े टुकड़े होने की कगार पर पहुंच गया है। बीजेपी संघ का मुखौटा है। संघ के इशारे पर पीएम नरेंद्र मोदी संविधान की उपेक्षा कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी ने महाराष्ट्र में जो किया वही बिहार में करना चाहती थी, पर सीएम नीतीश कुमार ने सही समय पर सही फैसला लिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी में लीडर नहीं, डीलर है। पीएम मोदी ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात कही थी, लेकिन अब वो इससे पीछे हट गए। उन्होंने कहा कि बिहार में जंगल राज नहीं बल्कि जनता का राज है। बिहार के लोग बिकाऊ नहीं, टिकाऊ है। जान लीजिए 2024 का जब चुनाव होगा, चाहिए इतना घूमे, 100 सीट भी नहीं इनको देश में मिलेगा, ये जान लीजिए। असेंबली का चुनाव आया तो जिस तरह से उन लोगों ने काम किया, और हम तो नहीं बनना चाहते थे, हमारे उम्मीदवारों को हराने में लगे, हम उनको जिताने में लगे थे। आप बताइए, इतना दिन से चुनाव लड़े, आज 2015 में जब हम लोग 3 पार्टी एक साथ लड़ रहे थे,
तो कितना वो कोशिश कर रहे थे, कै गो सीट मिला था, हम लोग कितना देश में गरीबी, गुर्बत, लाचारी, बेबसी कगार पर पहुंचा हुआ है। तानाशाही बिल्कुल कम से कम पक्का ही हो चुका है। जो नरेंद्र मोदी आरएसएस जो चाह रहा है वही नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। किसी का सम्मान नहीं, सभी लोगों का अपमान, लोकतंत्र की हत्या। और संविधान की उपेक्षा और हम सब एक हो करके इसका मुकाबला करने के लिए, देश को बचाने के लिए, देश लोकतंत्र रहेगा, संविधान रहेगा, हम एक रहेंगे, हम एकजुट रहेंगे तो हमारा भारत रहेगा। भारत को कोई तोड़ नहीं सकता है। जैसा बिहार में महागठबंधन है वैसे ही हमारे देश में महागठबंधन है। इसका मतलब हमारे अनेकता में ही एकता है, यानी अलग अलग पार्टियां हैं, अलग अलग विचारधारा हैं, अलग अलग झंडे का रंग है। ये हम लोग अनेक हैं लेकिन हम लोगों में एकता है, यही जो है महागठबंधन है और यही हमारी पहचान और यही हमारी ताकत है। कि आप लोगों के दुआ से, आप लोगों के प्रार्थना से, जो आप लोगों ने दुआ किया हमारे पिता पार्टी के राष्ट्र अध्यक्ष लालू जी के सेहत को लेकर के वो ठीक हो जाए और ऑपरेशन सफल हो जाए, और ऑपरेशन सफल हुआ तो केवल आप लोगों के दुआ और आप लोगों के प्रार्थना से जो है सफल हुआ। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि फिर से हमारे पिता हम सब लोगों के बीच आकर के आज भले ही वर्चुअल आए लेकिन हम लोगों को एक संदेश देने का काम किया। हम उनको भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमारे पिता राष्ट्र अध्यक्ष लालू जी आज तक सांप्रदायिक शक्तियों के सामने घुटना नहीं टेका, हमेशा से लड़ाई लड़ने का काम किया। चाहे कितना भी तंग किया गया हो, लालू जी डरे नहीं, लालू जी निडर होकर के लड़ाई लड़े। आज भी आए हैं वाल्मीकि नगर, और वाल्मीकि नगर में उतरने के साथ उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार जी को हर 3 महीने में प्रधानमंत्री बनने का सपना आता है। अमित शाह जी, आप देश के गृह मंत्री हैं, आप देश के गृह मंत्री हैं, नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री बनने का सपना नहीं आता है। आपको सपना आता है कि 2024 में कैसे सड़क पर आप टहलिएगा और रोड पर घूमने का काम करिएगा। इस मुल्क की सियासत में हलचल हुई है वो बिहार से हुई है, और इस बार पूरे मुल्क की सियासत का हलचल का केंद्र पूर्णिया बन रहा है, और पूर्णिया से जो आवाज जा रही है, और जरूरी भी इसलिए है कि आज संवैधानिक व्यवस्था खतरे में है, प्रेस की आजादी पर प्रहार हो रहा है और देश के इतिहास को बदलने की साजिश चल रही है। और ये इतिहास वही बदलते हैं जिनकी इतिहास में कोई भूमिका नहीं होती है। इसलिए ये गठबंधन एकजुट है और हम लोग मिलके मुल्क की सियासत को बदलेंगे। ये कहना चाहते हैं कि वर्तमान केंद्र की सरकार जुमलों की सरकार है। एक जुमला दिया था कि हर साल हम 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे, नियोजन देंगे। आज 9 वर्षों में कितनी नौकरियां मिली है आप हम सब जान रहे हैं। दूसरी बात, उन्होंने कहा था कि हम महंगाई रोकेंगे, आज देख रहे हैं महंगाई आज आकाश छू रही है, चाहे वो गैस का हो चाहे अन्य चीज़ों का हो। आज तब हमारे साथी, हमारे गरीब लोग
महंगाई से त्रस्त हैं। राष्ट्रीय लोक जनता दल के मुख्य